तो का तो पर बड़ा खुला इस्तारा है और होता है कि किस फर्द की बात हो रही है जिसका के आपने दिया बहरहाल देखिए आपका सवाल यह था अदालती निजाम तबाह हो चुका है या होने जा रहा है या हो गया है या क्या सवाल ये, बिला... ये बिलावल ने, ने कहा ये बिलावल ने कहा मेरी स्टेटमेंट नहीं बिलावल कह रहे हैं कि अदालती निजाम तबाह हो चुका हुआ जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा जी आपने जो सवाल बनाया जी आपने जो सवाल बनाया तो उसके लिए पहले एक शेयर अर्ज कर देता हूं आपकी खिदमत में गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी दानेश ने बहुत सोच के है तो ये हालात हैं जिस जगह पे हम पहुंचे हैं ये एक सफर है एक सफर है अदालती निजाम आज तबाह हुआ या अदालती निजाम उस वक्त तबाह हुआ जब डॉक्टर ऑफ नजरिया जरूरत लागू कर दिया गया या उस वक्त तबाह हुआ जब जज अपनी मर्जी के और अपने वकीलों को उठा के जज बना दिया गया चाहे बाद में उनके साथ न इतफाकी रही कुछ लोगों की अपने वकील थे लाहौर के वकील थे अब उन्हीं का नाम आपको हर जगह नजर आता है कि जब वो उन जगहों पर पहुंचे जहां पर वो फैसला करने के काबिल हुए तो क्या क्या मसाइल थे खुदा जानता है मैं कोई उनकी जिंदगीों को इतना करीब से तो नहीं जानता लेकिन कुछ ना कुछ मसाइल तो थे जो कि जिसके पीछे एक हिस्ट्री है ये हिस्ट्री ये भी बताती है कि अदालती निजाम सिर्फ ये वो अदालती निजाम है ये वो आईनी निजाम है जिसने के जिसके अंदर पार्लियामेंट्स ने और अदालतों ने मार्शल लॉ को दबाम दिया और मार्शल लॉ और नाम लेके जर्नैलों को उनकी हैसियत में रिकग्नाइज किया आईन ने किया उन पार्लियामेंट्स ने किया तो मजलिस शूरा ने किया इन अदालतों ने उसको दबाम दिया तो उस वक्त तबाह हुआ था या आज तबाह हुआ आज के दौर में बिलावल साहब की बात आपने की कि जरूरी है देखिए उनकी जरूरत इस वजह से है कि 2006 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ जी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किन लोगों ने किया जो कि उस वक्त अवाम के नुमाइंदे नहीं थे उस वक्त एक मार्शल लॉ का दौर था उस वक्त तो अवाम के नुमाइंदे नहीं थे जब यह आवाम के नुमाइंदे बन के आ गए जब भी आए पंद्रह साल सोलह साल हो गए ना इस जमुरी निजाम को इसके अंदर किसी वक्त इस पार्लियामेंट में डिबेट एक्जन लेनी चाहिए थी जिसमें कहती कि आईनी निजाम की जरूरत है मजबूरी क्या है मजबूरी डॉक्टर को कहते हैं मजबूरी है जरूरत है नजरिया जरूरत क्या है जरूरी है मजबूरी क्या है करना है डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी है यह है जरूरत और मजबूरी बहरहाल मजबूरी को उस वक्त भी पता लग जाएगा जब मुकदमात इस आईनी अदालत के पास जाएंगे कोई इनका रास्ता नहीं रोक सकता इनके पास नंबर होंगे तो आईनी अदालत बन जाएगी उनका हक क्या है पार्लियामेंट ने फैसला किया है हम तो यह बहस कर रहे हैं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए तो जब यह जाएगी जब मुकदमा जाएंगे और उनके जो फैसले आएंगे वो आपको बताएंगे कि जरूरी क्यों था और मजबूरी क्यों था इससे आगे मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर और बात नहीं करनी चाहिए मैं इसलिए भी नहीं जाता कि जो आपने पर्दे वाहिद का जिक्र किया कितने फर्दे वाहिद हैं इस पूरे निजाम के अंदर जिनको कि कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाना है या कुछ ना कुछ को नुकसान पहुंचाना है तो ये मसला है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यह बहस नहीं कि पार्लियामेंट की क्या पावर्स हैं उसकी सॉवरिनिटी को इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो सॉवरन है अपने तौर पर वो कर सकती है अमेंडमेंट उसका हक है उसका इस्तेक है वो ये काम कर लेकिन क्या उसकी नीयत ठीक है या नहीं तो नीयत का चूंकि हम इस वक्त तो बात नहीं कर सकते हम ये कह सकते हैं कि जब इनके अमाल बताएंगे कि इनकी नीयत असल में क्या थी दूसरी बात ये कहा जाता है कि आईनी एक चीज थोड़ी दे दे दे। दो, दो मिनट दो थर्टी सेकेंड्स आयनी अदालत के लिए कहा जाता है कि इतने मुकदमे जमा हो गए इतने मुकदमे कितने तेईस लाख जैली अदालतों में और साठ हजार सुपीरियर कोर्ट के अंदर और उन सुपीरियर एक साल एक और भी फिक्र ले लीजिए पिछले एक साल के अंदर पिछले एक साल के अंदर क्यों कहते हैं कि शायद चार फीसद क्रिमिनल केसेस डिसाइड हुए हैं या गलत चार शायद ना हो लेकिन बहुत कम बहुत कम शायद चार केसेस हुए हों जो कि पिछले साल और कहते हैं कि उससे पहले किसी भी केस जब वक्त में ले लें तो क्रिमिनल केसेस बहुत सारे जिनका फैसला हुआ तो ये जो पिछला एक साल था इसमें किसने कहा था कि ये आप सियासी मुकदमा लेके सामने रख लें और उसके बाद सबको बिठा के फिर उनको पूरी दुनिया में नशर करना शुरू कर दें और एक तमाशा खड़ा हो जाए वो चीजें जो कि पहले ये अपने कमरों में बैठ के कर लेते थे तो अच्छी बात है या तो अच्छे फैसले करें तो हम सब उससे एग्री करें लेकिन अगर ये कुछ दिखाना है कि आधे इस तरफ हैं आधे उस तरफ हैं तो हमारा अदालत के ऊपर अपना जो फेस था जो ईमान था वो जल, हो गया। ठीक है। तो जहां पर आपका कॉमेंट हो हो, है। है। आ गया हम आपकी जानी बात उन्नीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी बिलावल की स्टेटमेंट थी मेरा सवाल यह कि क्या तेरह साल के बाद बिलावल ये तो नहीं कहेंगे कि छब्बीसवीं आईनी तरमीम लाने पर भी हमें मजबूर किया गया अच्छा उल्लैसे ही आइनी तरवीम के हवालन के हवाले से बहुत से ऐसे शवाहित सामने आ चुके हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये बात कर रहे हैं और इंटरनल जो कम्युनिटी है लीगल कम्युनिटी उनकी तरफ से भी बहुत सी शहादतें आ चुकी हैं और वैसे ये एक ओपन सीक्रेट है उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो वो पहली दफ़ा कर रहे हैं या जिसके लिए हम उनसे सबूत मांगे आ, ये जो आपका सवाल है ना अदलिया अपनी जिम्मेदारी पूरा करना में नाकाम मुल्क अदालती नज़ाम तबाह हो चुका है स्पेशल पर शादा साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तू की देखिए वैसे तो इस सवाल में जो मासूमियत पे नहा है उसकी दाद ना देना भी एक नासाफ़ी होगी यानी एक सौ चालीसवें नंबर पे एक जुडिशरी खड़ी है और हम पूछ रहे हैं कि यह अब तबाह हो रही है पिछले हफ्ते में या पिछले छः महीने में तो ऐसा तो नहीं है हम बड़ा मेहनत शाखा के बाद इस मकाम तक पहुँचे हैं बल्कि एक एक सीढ़ी करके उतरे हैं और इस पाताल तक आए तो ये जो इन्होंने गिनवाया ये उन्नीस सौ चौवन से खेल शुरू हुआ और हमने कहा भाई पार्लियामेंट कौन होती है ये घर जाए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और हमने उस वक्त से एक ख़ास बुनियाद रखी एक न्यो रखी उसके ऊपर फिर ये इमारत सारी टेढ़ी खड़ी हुई है क्योंकि पहली ईंट टेढ़ी रखी गई थी तो उसके बाद मैं अब तफसील आप तो क्या गिनवाऊँ लेकिन मार्शल लॉ जैसे इन्होंने बताया और उन्होंने कहा जी कि आप सिर्फ मार्शल लॉ ना लगाइए बल्कि आप जो बोलेंगे आपके बोल वो आयन होगा ये हमारी अदालतों ने हराकत की हुई हैं और हमारे सामने हैं। और हम अपने प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगी हम उसका ज़िक्र करते रहते हैं और करते रहना चाहिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है उसमें अदालत ने यह काम किया हमारे वज़ी अज़मों को कानों से पकड़ के घर भेजा गया करोड़ों लोग चुनते थे उन्हें घर भेज दिया ये सब हमने देखा तो हम ये क्या कह रहे हैं कि अदलिया आज रात तबाह हो गई ये अब मैं पुरानी बातें छोड़िए अभी देखिए हाल में क्या हुआ कि पाँच जज हमें मालूम होता था ये बंच बनेगा हमें मालूम होता था ये फैसला पूरे पाकिस्तान को इल्म होता था ये फैसला आने जा रहा है तो ये तबाही एक दिन का सफ़र नहीं है हमने तो यहाँ आइन की तर री राइट करते हुए देखा है अदालतों को ये जो मैं अपनी तरफ से ये चीज़ें नहीं सुना रहा ये तारीख है और बिलावल भुट्टो साहब जो चीज़ें गिनवा रहे हैं वो यही तो गिनवा रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक अदालत से जो आपके आपको शकूक हैं वो तो चले देखते हैं कि किस हद तक सच होते हैं नहीं होते उन पर भी बात करना चाहिए वो मैं करूँगा अभी लेकिन हम जो हो चुका है हाँ, जो हमारी तारीख है जो हमारे सामने है और तारीख तारीख है हाँ, उसका जिक्र तो कर लें और उन्होंने वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहते हैं ना हमारी ये शामिल थी चीज़ और फिर हमने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अमल बाकी चीज़ों पर उन्होंने क्यों नहीं किया जो इतनी अच्छी अच्छी बातें थी तो मेरा ख्याल एक बुनियादी नुकता जहन में रखने वाला ये है कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है उसके बाद और डेमोक्रेटिक स्पेस इतनी श्रिंक कर गई है कि अब यहाँ पर यह मुमकिन नहीं रहा उन सारी बातों पर इफ्तार साहब कह रहे थे ना जिस दिन आप वो मौजूद रखेंगे उस दिन मैं आपको वजह दूंगा हाँ। हाँ। आप वो मौजूद रख ही नहीं सकती वो इस कदर दबंग किस्म की एक तहरीर है लेकिन मुझे ये बताएं कि वो जो कहते हैं कि मजबूरी भी है और जरूरी भी है तो ये फिर किस तरह जरूरी है मैं मैं आगे मैं बात उसी को कंटिन्यू कर रहा था कि आप देखिए उस जो टाइटल डेमोक्रेसी की खूबियाँ अपनी जगह पर लेकिन हम उसको मकम करार देते रहे हैं हालांकि वो हमारे आइन के बाद सबसे मेरा ख़्याल है अहम दस्तावेज़ है हमारी हाँ। और उसके बहुत से हिस्से पर अमल नहीं हुआ ये भी हम जानते हैं उसमें बलद्याती इंतबात से लेकर और ये खुफिया एजेंसीों को हुकूमत के तबे करना ये सारी बातें शामिल हैं और उसमें और बहुत सी बातें जो शायद हम यहाँ पर डिस्कस ना कर सकें बहरहाल आखिरी मैं बात कंक्लूड करता हूँ ये जो मुकम्मल इंसाफ की असलाह है ना ये असलाहत से हमें ज़रा घबराहट शुरू हो जाती है घबराहट इसलिए होती है कि जब भी हमने देखा है कि किसी साथ कोई चीज़ लगाई जाती है ना जैसे कंट्रोल डेमोक्रेसी जैसे बुनियादी जमहूत जैसे इस्लामी जमहूरीत तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं इसी तरह जब हम नेचुरल जस्टिस और ये जस्टिस और कम्प्लीट जस्टिस करते हैं तो इसका माना होता है कि हम जस्टिस के कॉन्सेप्ट से यानी आइन के कॉन्सेप्ट से और कानून के कॉन्सेप्ट से बाहर जाने लगे ठीक है हमसे कॉमेंट आ गया